बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले हैरियत से हों। सुबह सुबह का टाइम है और आज का व्लॉग मैं थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रही थी। अपने टेस्ट के लिहाज से ऑमलेट बना रही थी के साथ, मैं आपको भी दिखाऊं। वैसे सुबह सुबह का टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज कल ना टाइम चेंज हो गया स्कूल का, जिसकी वजह से बस आप बच्चों के पास कम से कम नाश्ता करने का फिलहाल टाइम है। जैसे ज़्यादा वाली सर्दियां स्टार्ट होंगी ना, फिर नहीं होगा। अक्टूबर में ही टाइम स्कूल के चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा लग रहा है जैसे बहुत जल्दी टाइम, उठने का टाइम जल्दी है सुबह। मैं अपने बेटे से यही कह रही थी कि नहीं होगा टाइम आपके पास नाश्ता करने का, तो वो ये बड़े आराम से कह रहे हैं कि अच्छा सा ऑमलेट बनाएं, बहुत सारा टाइम है अभी मेरे पास। मैंने सोचा कि अभी बनाऊँ और साथ आपके साथ भी शेयर करूँ। कोई ख़ास रेसिपी तो नहीं है, सबका ऑमलेट ऐसे ही होता है। बातें करने को दिल कर रहा था इसलिए मैं ऑनलाइन होगी। मैंने कहा चले साथ साथ बात भी होती रहेगी, साथ साथ काम भी होते रहेंगे। मुझे ऑमलेट इस तरह ना तवे के ऊपर ही बनाना आसान लगता है, पैन में बनाना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसी काली मिर्चें साइड चेंज करने से पहले पहले एक साइड से अच्छी तरह पक जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। प्योर देसी स्टाइल मेरा है, मैं कोई बनावट नहीं कर सकती। जैसे बना रही थी वैसे ही आपके साथ शेयर करूँगी, वो ही शेयर कर रही हूँ जो मैं रेगुलर बनाती हूँ। ऐसे रोज़ाना की रूटीन में ऐसे ही होते हैं, जल्दी वाले काम होते हैं, बहुत झंझट वाला काम उससे नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें, हर घर में एक सिंपल ऑमलेट खाने वाला भी होता है ना, जिसने अनियन के बगैर खाना होता है। तो एक वो दूसरा ऑमलेट बनाऊंगी साथ में, नान भी आ गया, सिंपल वाला ऑमलेट भी बन गया। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे रोते हुए स्कूल जा रहे हैं, अब नाश्ता वेट कर रहे हैं। पहले शोर हो रहा था कि नाश्ता रेडी करें, नाश्ता रेडी करें, अब नाश्ता वेट कर रहे हैं और बच्चे नहीं आ रहे। चने साथ में ऑमलेट, अब कंप्लीट नाश्ता है। चलो मैं आपके पास थोड़ी देर के साथ बात करती हूँ। आज मेरी दोस्त ने जो कज़न सिस्टर है ना, उन्होंने भी कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है, फिर मुलाकात होती है, फिर बात करते हैं साथ मिलके। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पराठा, अच्छा आप ये पराठा बना रही हैं, आज आपको नए स्टाइल में पराठा सीख रहे हैं। बच्चों को तो भेज दिए स्कूल तैयार करके, बस अब सब रह गए हैं जिनका नाश्ता रह गया है। अच्छा अब ये क्या करने लगी? कट लगाएंगी? जी कट लगा दिए भाजी, असा कट ला छोड़िया। अच्छा असा इस तरह से घुमा घुमा के। अच्छा जैसे आप कंफर्टेबल हों, जैसे आप आसानी से बता सकें। अच्छा ऐसे सारा इस तरह घुमा के सारा अच्छे एक साइड के लिए। ठीक है, हर बंदे ने पराठे ना एक अलग तरीका का रहे ये ठवन से। चल चल चल, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा आज नए स्टाइल का पराठा बनाने का, पेड़ा बनाने का तरीका। ये हो गया पेड़ा। ठीक है, 100 ग्राम हमने लिए हैं ये, साथ साथ खुबानी, खुबानी की चटनी बनाएंगे। 100 ग्राम इन्होंने सूखी खुबानी ली है। क्या लिए? खुबानी। खुबानी 100 ग्राम सूखी खुबानी, और उसको रात भर भिगो के रखा है। जी बिल्कुल। और देखिए फूल की डबल हो गई है। साथ में पानी चीनी और ये नमक है और मिर्चें हैं अपने टेस्ट के लिहाज से। नमक नहीं मिर्चें, और ये ब्लैक मिर्चें, रेड मिर्चें, और गरम मसाला, ज़ीरा, ठीक है, और ये कलौंजी साथ ली है।
ये अब इन्होंने, अब तो काफ़ी फैल गई है ये फूल की, देखें डबल हो गया साइज़ में ये। अब 5-10 मिनट के लिए पराठा बना के पेड़ा छोड़ा था जी, और अब ये बेलेंगे साथ। अब ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है, अब साथ में इसमें कलवंजी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और गरम मसाला, ये क्या डाला है, ज़ीरा और लाल मिर्चें। अब फूड कलर नहीं शामिल करेंगे, इसका ओरिजिनल कलर ही ठीक है ना, नहीं बस ठीक है ये, अगर अपनी मर्ज़ी है डालना चाहें तो डाल सकते हैं, हेल्थ के लिहाज से मेरे घर में ठीक नहीं है। साथ ही चीनी भी डाल दी है। आज डबल नाश्ता ही है, देखें ये अपने मियाँ के लिए कितने मज़े का पराठा बना रही है, साथ में ये जो खुबानी का मीठा है इसको भी, और हल्की आंच पे रख दी है। अब ये कह रही है मेरी फ्रिज में से एक एग निकाल के मुझे दो, देखिए इनकी फ्रिज भी कितनी साफ़ सुथरी, कितनी सलीके से रखी हुई है, शीटें वगैरह बिछाई हुई कि गंद ना बने, अंडे भी धो धा के रखे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, नीट एंड क्लीन फ्रिज है इनकी, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पराठा बनाया आपने। अंडा तो रेगुलर है ना, क्या होना चाहिए पराठे के साथ आपके ख्याल में, ऐसे पराठे के साथ, ऐसे पराठे के साथ अचार होना चाहिए, अच्छा चटनी होनी चाहिए, मीठी चटनी हो जाए, आलू बुखारे की हो जाए, या आपको पसंद है, हाँ बहुत अच्छा मज़ा इसमें, जायका इसका बहुत अच्छा हो जाता है, मज़ेदार हो जाता है। और साथ फ्राई अंडा, ये जी हमने अपने मियाँ के लिए बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत भरा नाश्ता तैयार किया है, माशाल्लाह जी, आप भी उम्मीद करते हैं ऐसे नाश्ता बना के करें। ये थोड़ी सी निकाल के हमने ठंडी किया, अब इसको ब्लेंड कर लेंगे, आधी ब्लेंड की है और आधी के यूँ ही थोड़े से छोड़ दिए हैं, अपने टेस्ट के लिहाज से अगर आपको सारी भी ब्लेंड करना चाहिए तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम आधी कर रहे हैं, इस तरह बच्चों के खाने के लिए आसानी हो सकती है। ये देखें ये ऐसे तैयार हो गया, साथ में अब ये सिरका थोड़ा सा डालेंगी, 2 चम्मच सिरका, हाँ 2 चम्मच सिरका डाल देते हैं। और इससे हम जो बना रहे थे सुबह सुबह वही चीज़ें हमने डिस्कस की, आज सुबह सुबह हमने आपको 2 किस्म के पराठे, नान, नाश्ता बहुत मज़े का वो दिखाया है, साथ में हमने खुबानी का मीठा बनाया ये दिखाया है। आज की सुबह सुबह की मॉर्निंग एक्टिविटी जो थी ना वो हमारी ये थी, अगर कुछ और कर रहे होते तो ज़रूर आपसे शेयर करते, साथ साथ अभी तो हमने कपड़ों की कटिंग करनी है, कपड़े सीने हैं, कपड़े लेकर आए हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको साथ साथ दिखाएंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा क्या कह रही हैं आप साथ साथ कि अभी हम कपड़ों की कटिंग तब शुरू करेंगे जब पहले वो काम आप तब शुरू करेंगे ना, थोड़ा गर्मियों के कपड़े रखने हैं, सर्दियों के निकाले हैं, उनको थोड़ा इस्त्री करना है, उस काम में मसरूफ हैं, थोड़ा काम खत्म हो ले वो थोड़ा सा कपड़ों की कटिंग करते हैं इंशाल्लाह, 1 हफ्ते 1.5 तक हम आपको साथ साथ फिर कपड़ों की कटिंग भी दोनों मिलकर किया करेंगे, तो फिर वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। हाँ हमने लीलन की भी और मरीने की भी 2-3 सूट लेकर आए हैं, उनकी कटिंग करेंगे वो दिखाएंगे, आप साथ साथ डालें, अच्छा इसको डिश आउट करें, सर ऐसे ठंडा होना देते हैं एकदम से, कपड़ों की कटिंग करेंगे, आपको कुछ दिखाएंगे कि हम कैसा काम करते हैं, अब इसको अपराठों के साथ ये सब आप इसको तकरीबन 1-2 महीने भी रख सकती हैं, आराम से चल जाएगी, ये ख़राब नहीं होती, इसको अच्छा बताओ कि इसे छोटे छोटे काट के फिर डालेंगे, फिर ऊपर डाल देते हैं ना, अक्सर बच्चे नहीं खाते, फिर अपनी मर्ज़ी हो तो बना, अच्छा इस तरह की मीठे बना के इनमें बादाम पिस्ते ये सारी चीज़ें शामिल करने से इस तरह से अच्छी भी लगती है चीज़, और इस तरह बच्चे खा लेते हैं, ये भी फ़ायदा मंद चीज़ है, बीच में जो मिक्स हो जाता है ना बच्चों को नज़र नहीं आता वो नहीं खाते, हमारे बच्चे तो नहीं खाते, हाँ नज़र ना आ रहा हो फिर खा लेते हैं, नज़र आ रही हो कोई चीज़ तो फिर ये क्यों डाला मामा ये क्यों डाला, हाँ ये निकाल दें, हाँ ये निकाल दें, ऐसे ही होता है वो, वैसे उनका दिल नहीं कर रहा था ना खाने का, अच्छा तब वो ज़्यादा नुक्स निकालते हैं कि ये निकाल दें, वैसे बाजार के तो गंद वगैरह सारा खा लेते हैं उसमें से नुक्स नहीं निकालते। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज के हमारे नाश्ते मॉर्निंग टाइम ये अच्छा लगा होगा, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
आप ये डालें, साथ शामिल करें, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो का साथ साथ एंड भी करेंगे। तो होगी ये तैयार करके इंशाल्लाह फिर हम कल मुलाकात करेंगे कि कल हमारी क्या मसरूफियात है। ये आपको वैसे ही कटिंग करके दिखा रहे हैं हम, कोई फैंसी ऐसा कोई नहीं है जो हम सिंपल ऐसे नहीं। ये ऐसी जल्दी वाली जो कुकिंग होती है वो ऐसे ही हाथों से होती है, और मोस्टली कोई मेहमान आ जाए ना तो फिर जल्दी जल्दी हो रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या पूरा ये सजाएं ये नहीं हो रहा होता, बस फटाफट मेहमान के आगे रखना है और चीज़ें तैयार करनी है जल्दी से। खिलाना भी किचन में बहुत बन जाते हैं ना, तो फिर जल्दी जल्दी के काम में किचन में बहुत ज़्यादा गंद बन जाते हैं, फैलावा बहुत ज़्यादा। मेहमान के आगे तो बहुत साफ सुथरा सारा कुछ पहुँच जाता है। हाँ, संभालना तो खुद ही होता है ना। हाँ, संभालना तो वापस खुद ही होता है ना। हाँ, मेहमान है तो चले जाना है। लो जी, ये चटनी असं कोई खास तरीके नाल नहीं बनाई, जिन्हों आम तरीका भी उन्हें भी बनाइए, लिहाजा बहुत मज़े दिए। पराठे नाल खाओ ता मर्जी ने, चावलों के पा के खाओ ता मर्जी ने, तो उंगलियां नाल खाओ ता मर्जी ने, चमचा नाल खा लो ज़्यादा बेहतर है। ये इतनी देर से बोल नहीं रही थी ना, इसलिए मैंने अपने ओरिजिनल स्टाइल में बोले जिसमें आपको कंफर्टेबल महसूस होती है। और तुसे दस्यो चंगी बनी है कि मंदी बनी है। अच्छा, मैं आपको ये भी दिखाऊं, ये अपने बच्चों को, ये वाले काजू है, ये काजू है, ये बच्चों को खाने के लिए सुबह सुबह नाश्ते में टेबल पे रख देती हैं। इसका ये फ़ायदा है कि बच्चे इजीली जो चीज़ उनका दिल कर रहा होता है वो ले लेते हैं, चाहे बादाम ले लें चाहे काजू ले लें। अच्छा जी, अच्छा जी, बेहतर तरीका वे कि अगर सात दफ़ा तुसे दरूश भी पढ़ के या कुर्सी पढ़ के तुसे दम कर छोड़ो इन्हें फ्रूट पर, तो वह बच्चे जिस वक्त खा सन तो उन्हों का दिमाग आ रेडी इंशाल्लाह कलाम नाल बहुत बेहतर हो जाए, सी सेहत वास्ते भी बहुत अच्छा। और एक और डब्बी भर के रख छोड़ो तो बस सामने रस्ते जो पई हो कि आन जान और खा लान। हाँ, यह सब तो आसान तरीका है। हाँ, क्योंकि अगर संभाल के छापरा च पा के रख छोड़ दे किसी एक ही जगह जे वो फिर तो आप ही कट के देसो तो बच्चे खा सन वरना नहीं खा सन। अच्छा, ये तस्वीर बनी होती है ना, इन्हों का फिर यह फायदा होंगे कि बच्चे देख के मुतमइन हो जुलने के वाक्य, क्योंकि तस्वीर तो बच्चे ज़्यादा जुलते हैं, खाने वाले पास वैसे नहीं जुलते। ये तस्वीर देख के फिर उन्हें दिल कर सी कि इस बच्चे के वे तो खावा तो वह फिर कट के खा सा। तो इस वास्ते तुसे भी कोशिश किया करो बच्चों जी चीज़ पसंद हो वाला डब्बा हो या वो कप हो चास्ते या जो चीज़ भी हो, ताकि बच्चे देख के कप न देख के ज़्यादा शौक न दुध पी लेंगे ना। तो इस वास्ते अपने बच्चों से मेहनत किया करो उन्होंने सेहत वास्ते, बच्चों की मेहनत कर सो तो बच्चों की सेहत उसी। शुक्रिया जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज आपा जी की बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। अच्छी लगेगी बस जी, तो सुन दवा ओके जी, जज़ाकअल्लाह।